आदाब नाजरीन सैराज न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज आइए देखते हैं कुछ खबरें एम बी डी केमजेदुल्ला खान खालिद ने हुकूमत से बीजेपी के एम पी बंडी संजय के खिलाफ एक्ट लगाने का मुतालबा किया कल रात में जो है करीम नगर में एक हिंदू एकता यात्रा के नाम से एक पब्लिक मीटिंग हुई और उसमें जो है तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय जो खुद करीमनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने मुख्त अपनी स्पीच में कई बातें की हैं जिसमें इश्तियाल अंगेज जो कम्यूनल हिटरेटनेस में अंदर अंडर में आते हैं उन्होंने कहा कि हम जो है तेलंगाना अगर बीजेपी तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आएंगी तो हम राम राज्य लाएंगे और एक बात उन्होंने ये बोले कि अड़तालीस हज़ार हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाए और उसकी खुदवाई करें तो उसमें से कहीं ना कहीं शिवलिंग निकलता और ख़ुद ये बोले कि तेलंगाना में कई ऐसे मसाजिद है जो मंदिर को तोड़ के बनाए और उन्होंने अपने बयान में पर्टिकुलरली टारगेट करते हुए असदुद्दीन इसी से चैलेंज करते हुए ये कहा कि अगर तुम राज़ी है क्या बोल के और एक बात बोले कि मैं उर्दू को ख़त्म कर डालूँगा फिर दूसरी बात बोले कि मैं रिज़र्वेशन को बर्खास्त कर डालूँगा तेलंगाना आया तो मदरसों को बंद कर डालूंगा तो बंडी संजय का मामला ऐसा है कि हरा गड्ढे वाले भी अगर बात जो दिमागी तोज़न जिसका ख़राब हो जाता तो कुछ पेशेंटों को रिजेक्ट कर देते उसमें से वन ऑफ द पेशेंट हैं इन्हू जिसको हिररागडा हॉस्पिटल वाले भी इनको रिजेक्ट कर दिए जब से इन्हू बीजेपी के सदर बन गए वो नए फ़कीर को भीख की जल्दी बोलते तो ये नए फकीर भी जो है अपने आप को क्या है कि तेलंगाना का चीफ़ मिनिस्टर बन जाता हूँ वहीं बीजेपी पावर में आ जाती तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब जो है ये बंडी के टहरा काटना अच्छा बेहतर जानते हैं जो हमारी गंगा जमनी तहजीब में कहीं भी फ़िरका परस्ती को आ, कोई मौका नहीं है लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है दो पॉइंट्स आप याद रखिए कि पहला मुझे अफ़सोस ये है कि Uh, कई सालों से जब से तेलंगाना अलग हुआ राजा सिंह इश्त्यालंगज बयाना दे रहा है एक भी केस में उसको सज़ा कराने में तेलंगाना सरकार नाकामयाब हो गई हमारे चीफ मिनिस्टर अपने आप को सेकुलर बोलते तमाम जमाते हुए किदीन जो उनके आलायकार है ये लोग उनको आ, ये बोलते कि सी एम के सी आर साहब सेकुलर है लेकिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के सी आर साहब का सेकुलरिज्म आज दावे आज आ, चैलेंज पे है कि पूरे आठ साल में राजा सिंह के ऊपर एक मुकदमा किसी में सज़ा नहीं हुई दूसरी चीज़ हालिया अकबरुद्दीन ओएसी का जो बाज़्ज़त बरी होना अगर अकबरुद्दीन ओएसी को सज़ा हो जाती तो बंडी संजय की हिम्मत नहीं होती और राजा सिंह की हिम्मत नहीं होती ऐसे बयानत देने की तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा कि खुद चीफ मिनिस्टर साहब ये साहब ये चाह रही कि इनको छूट दे रही एक तरफ राजा सिंह को छूट दे रही एक तरफ अकबरुद्दीन ओएसी को छोड़ दे रही एक तरफ बंडी संजय को छूट दे रही कि तुम ऐसे तेलंगाना का माहौल को ख़राब करो बयान दियो आप बताइए मुझे कि एक मामूली सी फेसबुक पे अगर हम पोस्ट डालते हैं तो फौरी पुलिस के दो गाड़ियाँ आ जाते आके उठा के ले लेके जाते सबक में कई सामाजिक कारकुनों के साथ हुआ आप देख सकते हैं कि फौरी पुलिस वाले आए अरेस्ट करके लेके गए सी के ख़िलाफ़ में एक पोस्ट डाले बड़े बड़े जर्नलिस्टों को गिरफ्तार कर लिए तो बंडी संजय स्पीच दे के उतरते उसको कहीं को गिरफ़्तार नहीं करे पुलिस वाले करीमनगर के कमिश्नर साहब क्या कर रहे थे करीमनगर की पुलिस क्या कर रही आज सुबह से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ के टी आर साहब हर मसले पे ट्वीट ट्वीट खेलते बंडी संजय के ऊपर क्यों आप बयान नहीं दे रहे हैं अपना क्यों सख्ती का इज़हार नहीं कर रहे हैं आप और एक बड़े अफसोस की बात है कि एक तेलुगु मशहूर चैनल टी वी नाइन कल रात से ये बंडी संजय का स्टेटमेंट चला के बंडी संजय की फ़ोटो डाल के साथ में है गुमबद खिजरा की फ़ोटो डाल रहा उन्हें तो क्या पेश करना चाह रहा टी वी नाइन टीवी वी टीवी नाइन में शेयर किसका है के फैमिली का माई होम्स वाले के शेयर है आधा सेवेंटी परसेंट से बढ़ के इन लोगों का ओन है उसमें एक तरफ के साहब हुकूमत में हैं बंडी संजय के इश्तहालेज़ बयान हो रहे हैं उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा राजा सिंह के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा अकबर उद्दीन ओसी के अक्विटल के ऊपर तेलंगाना सरकार हाई कोर्ट में नहीं गई अभी तक और दूसरी तरफ जो है टीवी वी नाइन जो उनकी फैमिली से ओन है वो टीवी नाइन में ऐसे बयाना रही तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप बताइए मंजलिस बचाओ तहरी का मुताल है कि बंडी संजय के ऊपर पी डी एक्ट डाल के दो साल तीन साल जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता इसको अंदर डालना इसको और राजा सिंह के जितने भी केसेस टी आर एस के गवर्नमेंट में जो मिस्टेक मिस्टेकन ऑफ फैक्ट बोल के कोर्ट से इन्हें बाइजत बरी हो जा रहा कई केसेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसके बंद कर दिए सारे केसेस का एक स्पेशल बेंच फॉर्म करना पूरे उसके ऊपर अपील करना और अकबरुद्दीन उद्दीन के जो बाईस जद बरी हुए उसके खिलाफ में तेलंगाना सरकार हाई कोर्ट में अपील पर गई तो तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब बरकरार रहती कोई फिसादात नहीं होते नहीं अगर ऐसे पागलों के बयानात को अगर के सी आर साहब कंट्रोल नहीं करे आने वाले इलेक्शन में जैसा कांग्रेस वाले फिर परस्ती के खिलाफ में लड़ने में नाकामयाब हुए थे आंध्र प्रदेश में और सेंटर में इसकी वजह से इनकी सरकार चले गई आने वाले दिनों में केसीआर साहब की भी सरकार जाने वाली है यह नौ लिख लीजिए आप लोग यार दिंदा सोहदार तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और हमें दीजिए इजाजत